हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर। आज हम लोग और फूड पार्ट टू का वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में पढ़ेंगे। सम फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ईटन राउंड द ईयर। कुछ फल और साग सब्जी पूरे वर्ष भर खाए जाते हैं। अदर्स आर सम कॉमन इन द सीजन ऑफ हार्वेस्ट। और कुछ को मौसम में काटा जाता है, एक निर्दिष्ट समय में काटा जाता है। वेन दे आर पिक्ड फ्रॉम द प्लांट। और कुछ को पौधों से चुना जाता है। एप्पल एंड पियर्स आर मोर कॉमन इन ऑटम, ऑरेंज इन विंटर, ग्रेप्स इन स्प्रिंग, एंड वाटर मिलियन, मैंगो एंड लीची इन समर। द बेस्ट कार्बेट कर्ली फ्लावर एंड कैरोट्स आर सॉल इन विंटर। यानी कि ऑरेंज को ठंडा में पाया जाता है, एप्पल पियर्स ये जो है पतझड़ में पाए जाते हैं। अंगूर की फसल होता है आपका बसंत ऋतु में। इसी तरह केबेज ने पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर ये सब ठंडे में पाए जाने वाले पदार्थ है। इसके अलावा बहुत तरह के गोभी भी गर्मी के मौसम में पाया जाता है। द फ्रूट एंड वेजिटेबल पीपल ईट आफ्टर डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ द कंट्री दे लिव इन। द फ्रूट मैंने फल और साग सब्जी जो है वहाँ के लोगों के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ पर जिसकी खेती अधिक होती है वहाँ के लोग वहाँ अच्छा ज़्यादा उसी फसल को खाते हैं। एप्रिकोट है, प्लम्स है, पीच एंड चेरी ग्रो वेल इन कोल्डर प्लेस। ठंडे स्थान पे इन सभी की खेती, बैर वगैरह की खेती की जाती है। सो दे आर कॉमन इन हिमाचल प्रदेश। इसलिए हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में इनकी खेती अच्छी होती है। कोकोनट ग्रो वेल नियर द सी। समुद्र के किनारे नारियल की खेती अच्छी होती है, क्योंकि नारियल की खेती के लिए नूना मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि केरल, वेस्ट बंगाल में नारियल की खेती अच्छा होता है और इससे विभिन्न तरह के खाद्य सामान बनाए जाते हैं। सरसों का साग नॉर्थ इंडिया में सबसे अधिक होता है और इसको वहाँ के लोग खाना भी पसंद करते हैं। ड्रम स्टिक यानी होता है आपका सहजन। सहजन से विभिन्न तरह के डिशेज खाना बनाया जाता है, जो साउथ इंडिया के लोग और ईस्ट इंडिया के लोग खाना पसंद करते हैं। ईस्ट इंडिया भारत के पूर्वी भाग में और दक्षिणी भाग में इन ये सजना डाटा खाना पसंद करते हैं। इसके बाद होता है नॉन वेज फूड। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन वेज। मतलब होता है मांसाहारी भोजन। क्या है नॉन वेज फूड? कम्स फ्रॉम एनिमल, इट्स इंक्लूड फिश, मीट एंड एग्स। द टाइप ऑफ नॉन वेज फूड्स पीपल लाइक मी डिपेंड ऑन द प्लेस दे कम फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट पीपल वी लिव नियर द सी लव टू ईट फिश। नॉन वेज एनिमल से आने वाले भोज पदार्थ को नॉन वेज या मांसाहारी भोजन कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है मांस, मछली और अंडा। नॉन वेज खाना का प्रचलन अभी बहुत अधिक है और लोग इसे पसंद करते हैं। जो लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ के खाने का अधिक उपयोग करते हैं। जैसे समुद्री किनारे या गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं वो मछली का उपयोग ज़्यादा करते हैं। और नेक्स्ट आइटम है स्पाइस एंड वेल। स्पाइस आर यूज टू एड फ्लेवर, टेस्ट एंड स्मेल टू फूड। इंडियन फूड इज रिच इन स्पाइस द
दैट इज बिकॉज इंडियन इज अमॉन्ग द कंट्री दैट ग्रो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ स्पाइस सम कॉमन स्पाइस टर्मरिक चिल्ली ब्लैक पेपर क्लेव जिंगर चाइना अमॉन्ग ईटीसी यानी क्या होता है कि स्पाइस का उपयोग भोजन में स्वाद और गंध बढ़ाने के काम में लाया जाता है Go. भारत में मसाले का खेती अच्छी होती है यही कारण है कि मसाला का उपयोग भारतवर्ष में ज़्यादा किया जाता है जैसे आपका हल्दी है मिर्चा है गोलकी है लौंग है अदरक है लहसुन है दालचीनी है इलायची है सरसों है और धनिया ये प्रमुख मसाला के अंतर्गत आता है नेक्स्ट वेल द वेल कमोडिटी यूज इन इंडियन कुकिंग आर मेड फ्रॉम मेनी काइंड्स ऑफ सीड तेल का निर्माण बहुत तरह के बीजों से किया जाता है लाइक दोज द ग्राउंडनट यानी बादाम का बादाम से तेल निकाला जाता है कोकोनट नारियल से निकाला जाता है सोयाबीन सोयाबीन से निकाला जाता है मस्टर्ड यानी सरसों से निकाला जाता है सेम से निकाला जाता है और सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी के फूल के बीज से तेल निकाला जाता है जिसको खाना बनाने के उपयोग में लाया जाता है नेक्स्ट आइटम है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मिल्क जनरली लाया जाता है एनिमल से ही प्राप्त होता है इसके अंतर्गत तो बुफेलो है आपका काऊ है गॉट है इटीसी इससे विभिन्न तरह के खाद्य सामग्री बनाए जाते हैं विभिन्न तरह के मिठाइयाँ बनाई जाती है दूध दही घी बनाया जाता है और यह एक हेल्थी फूड है नेक्स्ट है फूड फ्रॉम अराउंड द कंट्री मैंने भारतवर्ष के किसी जगह में खेती किया जाता है लेकिन उसे भारतवर्ष के कोने कोने में सामान को ट्रांसपोर्ट के द्वारा रेल के द्वारा शिप के द्वारा भेजकर उपलब्ध कराया जाता है ये था हमारा आवर फूड चैप्टर अगर आपने आवर फूड चैप्टर पार्ट वन नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आवर फूड चैप्टर वन पार्ट वन का वीडियो जाकर जरूर देखिए थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों में इसको शेयर करना ना भूलिए थैंक यू